हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकोनॉमिक्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एनआईटी का दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था पार्ट वन में हमने समझा था एनआईटी है क्या, और मैंने आपसे कहा था उसी टॉपिक को हम रिसेम्बल करते किससे, फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस से। तो वो पार्ट वन था, ये हमारा पार्ट टू है। तो अगर पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि पार्ट टू को समझने के लिए पार्ट वन का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैं आपको सिग्निफिकेंस ऑफ एनआईटी के तौर पे समझाऊंगा। ठीक है, कि एनआईटी का सिग्निफिकेंस क्या है। अगेन, जिन्होंने पार्ट वन देखा है उन्हें पता होगा, इससे मैं कह रहा हूँ देख ले प्लीज़ सिग्निफिकेंस ऑफ एनआईटी। एनआईटी का यूज कहां पे होता है, क्या यूज है नेशनल इनकम में एनआईटी का। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट होती क्या है, देखो प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक लेक्चर था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो हाउस होल्ड है वो क्या करता है, वो हमारे फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम इंक्लूड करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास होते हैं वो कौन से थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये हमारे क्या होते हैं, इन्हें हम एफओपी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जब हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर किए हैं तो लैंड के लिए हमें क्या चाहिए, पेमेंट, और लैंड को एक पेमेंट जाएगी वो क्या होगी, रेंट। हमने लेबर हायर किया, हमने कैपिटल लिया, एंटरप्रेन्योर है प्रॉफिट। तो ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जबकि ये हमारी फैक्टर पेमेंट्स होती हैं, राइट। इन्हीं का समेशन, मतलब जो मनी, द अमाउंट, ठीक है, द अमाउंट received by a producer, ठीक है, is known as factor of payment, factor payments, ठीक है, मतलब वो पैसा जो एक गुड की प्रोडक्शन में लगा, ठीक है, एक गुड की प्रोडक्शन में जगह का रेंट जाएगा, रॉ मटेरियल का पैसा जाएगा, वेजेस सैलरी का पैसा जाएगा, इंटरेस्ट का पैसा जाएगा, प्रॉफिट का पैसा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन जाएगी, तो एक गुड की प्रोडक्शन में जितना भी पैसा लगता है उसके ओनर से लेकर के उस हर पर्सन तक जिसने उस प्रोडक्ट के बनने में कंट्रीब्यूशन दिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम फैक्टर पेमेंट को डिफाइन करें कि फैक्टर पेमेंट क्या है, तो हम कह सकते हैं इट इज द अमाउंट, ठीक है, ये क्या है, इट इज द अमाउंट पेड बाय, ठीक है, और व्हाट यू कैन से, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ प्रोड्यूसर फॉर हिज गुड और सर्विसेस। ठीक है, एक गुड या सर्विस के बदले एक प्रोड्यूसर को जितना भी पैसा मिलता है वो फैक्टर पेमेंट कहलाती है, या फिर फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। यहां पे इसे समझ लेना, इसे फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इट विल बी रिटन एज एफसी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो समझ में आता है आपको, ठीक है, क्लियर है। जितना भी पैसा एक प्रोड्यूसर को मिलेगा, जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूं, मान लो रोरितो ने ये मार्कर बनाया, एक मार्कर जब उन्होंने बना लिया तो
इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी, ये एडवर्टीजमेंट, ये जो फैब्रिक, जो भी ये फैब्रिक यूज हुआ है, ये प्लस इंक प्लस लेबर की मेहनत प्लस प्लास्टिक, उन अपना प्रॉफिट जोड़ करके उन्होंने कहा जी 10 रुपये, मतलब उन्होंने कहा जी हमें 10 रुपये चाहिए। तो ये जो 10 रुपये है ये क्या है, इसकी फैक्टर पेमेंट। तो फैक्टर पेमेंट क्या है, सम टोटल ऑफ द पेमेंट्स मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिला के जितना भी पैसा आएगा। बहुत टाइम बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जब उनको लगता है कि ये चीज़ बनी कितने की और ये चीज़ जब मार्केट में जाएगी तो प्रॉफिट अलग से ऐड करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली कि फैक्टर पेमेंट ऑलरेडी इंक्लूड्स प्रॉफिट। फैक्टर पेमेंट में प्रॉफिट पहले से ही इंक्लूडेड होता है, हमें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फैक्टर पेमेंट में क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है, जो ऑनर है, वो ऑलरेडी एक फैक्टर है, तो वो अपना पार्ट, अपना प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड करके रखता है। इसीलिए हम कहते हैं इट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर हिज गुड्स और सर्विसेज। ये वो अमाउंट है जो एक प्रोड्यूसर को उसके गुड या सर्विस के लिए मिलता है। ये यहां से आप अलग कर लेना, ये इसी की स्टेटमेंट है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो इट इज द पेमेंट मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आपको ठीक लगे आप वो कह सकते हो। जैसी भी आप एक डेफिनेशन और लिख लो ताकि आपको बाद में हेल्प रहे। इट इज द पेमेंट मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये वो पेमेंट है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को की जाती है, ठीक है। ये तो समझ में आता है, तो फैक्टर पेमेंट हमें समझ में आ गया, मतलब फैक्टर कॉस्ट समझ में आ गया। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मार्केट प्राइस। अब हम बात करते हैं कि मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस विच इज एमपी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फिर फैक्टर पेमेंट इज एफसी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस इज एमपी। तो एमपी क्या है, हमने कहा इट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ प्रोड्यूसर फॉर हिज गुड्स और सर्विसेज। एक प्रोड्यूसर को अपने गुड्स और सर्विसेज के बदले जो मिलता है वो क्या होता है, वो फैक्टर कॉस्ट होती है। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, इट इज द अमाउंट पेड बाय अ कस्टमर और यू कैन से कंज्यूमर फॉर अ गुड और सर्विस, ठीक है। ये वो अमाउंट है जो एक कंज्यूमर किसी गुड या सर्विस के बदले पे करता है, ठीक है। ये जो कंज्यूमर पे करता है, ये जो प्रोड्यूसर रिसीव करता है। मार्केट प्राइस जो कंज्यूमर पे कर रहा है, फैक्टर पेमेंट जो प्रोड्यूसर रिसीव कर रहा है, दोनों सेम नहीं होने चाहिए क्या। अगर आप मार्केट में जा करके, सपोजिटली आप मार्केट में गए, आपने मार्केट में जा करके इस मार्कर के 20 रुपये पे किए, अगर आपने 20 पे किए तो प्रोड्यूसर मीन्स रोरितो रिसीव कितने करेगा, रोरितो रिसीव भी तो 20 ही करेगा, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। लगता तो सेम है लेकिन नहीं, इन दोनों में बहुत फर्क है। फर्क किस बात का है, अब आप इस बात को समझो ध्यान से। सपोजिटली यू वेंट टू अ मार्केट शॉप, ठीक है, आप एक मार्केट गए और आपने ये इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक खरीदनी थी, आप गए, ठीक है। तो आपने इस बुक को परचेज किया, एक एग्जांपल लेता हूँ कि बुक का जो प्राइस था वो था, प्राइस जो था वो कितना था, ₹200। आपने सेलर से पूछा कितना प्राइस है, उसने कहा ₹200 है जी बुक का प्राइस। आपने कहा ठीक है मुझे एक बुक दे दो। उसने जब बिलिंग करी तो बिलिंग करने में क्या हुआ कि इस बुक के प्राइस में बिलिंग करते वक्त उसने कहा जी लाओ आप मुझे दे दो ₹210। आपने कहा लेकिन प्राइस तो कितना है, 200। तो ₹210 किस बात के मांग रहे हो। उसने कहा सर बुक है, बुक पे आप मुझसे बिल मांग रहे हो, पक्का बिल, तो मुझे क्या चार्ज करना पड़ेगा, GST चार्ज करना पड़ेगा। तो जब ₹200 पे अगर मैं 5% का GST मानूं, ठीक है, 5% का GST मानो तो कितना रुपए हो गया, ₹10 हो गया। तो इसका मतलब उसने कहा 5% GST दो मुझे, और 5% GST कितना आया, ₹10। तो टोटल अमाउंट जो आपने पे किया वो कितना किया, 210, राइट, ठीक है।
प्राइस कितना था? 200। ठीक है, ये जीएसटी कौन ले गया? गवर्नमेंट ले गई। और आपके ऊपर बिल कितने का आ गया? 210 रुपए का। तो अब आप समझो ध्यान से, एज अ कंज्यूमर आपने इस बुक के लिए कितना पे किया? आपने इस बुक के लिए पे किया 210 रुपए। तो मैंने यहां लिख दिया पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, लेकिन क्या वो 10 रुपए लीगल तौर पे प्रोड्यूसर अपने पास रख सकता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, वो नहीं रख सकता। ये 10 रुपए उसे गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। ये 10 रुपए गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का। तो ये क्या हो गया? ये तो जीएसटी हो गया। प्रोड्यूसर ने रिसीव कितना किया? 200। तो ये हमने लिखा रिसीव बाय प्रोड्यूसर। तो पेड बाय कंज्यूमर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हमने लिखा था मार्केट प्राइस कहते हैं। लेकिन रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। हम जो अमाउंट प्रोड्यूसर को पे करते हैं वो डिफरेंट होता है उस अमाउंट से जो प्रोड्यूसर रिसीव करता है, क्योंकि जो वो रिसीव करता है उसमें से कुछ पार्ट उसको गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे देना पड़ता है। आज इनडायरेक्ट टैक्स हमने कर पढ़ा था ना, हमने इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। तो यहाँ पे आपने गुड लिया, बुक ली, तो उसके ऊपर 5% लग गया। तो ये आपके सामने एक चीज आई। ठीक है, होपफुली आपके से नोट, चलो मैं आगे इसे कंटिन्यू कर देता हूँ, आप नोट कर लेना इसको। तो इसका मतलब अगर इसके बेसिस पे मैं कंक्लूड करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ दैट इनडायरेक्ट टैक्स जो भी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, ठीक है, ये जो कि ये है, ये क्या कर रहा है? ये कंज्यूमर के मार्केट प्राइस को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? 200 + 10 मतलब बढ़ा रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीजेस, इनडायरेक्ट टैक्स क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीजेस, इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है? इंक्रीज करता है। किस क्या चीज इंक्रीजेस? मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस। ठीक है, मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो मार्केट प्राइस को बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करना पड़ेगा किस में? फैक्टर कॉस्ट में। देयरफॉर आईटी मस्ट बी एडेड, आईटी को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, किस में? आईटी मस्ट बी एडेड टू फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में हमने ऐड किया, ठीक है, आईटी मस्ट बी एडेड टू फैक्टर कॉस्ट टू ऑब्टेन आईटी मस्ट बी एडेड फैक्टर कॉस्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मार्केट प्राइस। ठीक है, मतलब आपको करना क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स को करना क्या होगा? ऐड करना पड़ेगा फैक्टर कॉस्ट में, ताकि आप कहां पहुंच सको? ताकि आप मार्केट प्राइस से पहुंच सको। तो यहां से वी गेट एन इक्वेशन। और क्या इक्वेशन है? इक्वेशन है दैट फैक्टर कॉस्ट, देखो ये ना फैक्टर कॉस्ट, तो हमने देखा फैक्टर कॉस्ट प्लस में इनडायरेक्ट टैक्स। अगर फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दिया जाए तो व्हाट वी गेट? वी गेट मार्केट प्राइस, राइट? सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी इक्वल टू मार्केट प्राइस। ठीक है, होपफुली आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। मैं इस इक्वेशन को फर्दर आगे लेके चलता हूं। ठीक है, दिस पोर्शन क्या, मैं इसको यूज कर लेता हूं। अब ऐसा है, हमारी गवर्नमेंट सिर्फ हमसे चीज़ों के ऊपर चार्ज भी नहीं करती। हमारी कंट्री या कोई भी कंट्री के अंदर जो लोग होते हैं, ठीक है,
उनमें हमको प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं, मतलब डिफरेंस देखने को मिलता है। कोई इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होगा, कोई इकोनॉमिकली वीक होता है, मीन्स रिच पुअर सब तरह के लोग हर तरह की इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ऐसे लोगों को, जिन लोगों की परचेजिंग पावर कम है, ठीक है, ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए, इन लोगों की कंजम्पशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट हमें सब्सिडी भी देती है, ठीक है, सब्सिडी भी देती है कि हम क्या करेंगे, हम आपको जो भी रेट है हम उस पर कम पैसे चार्ज करेंगे। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, है ना, कि गवर्नमेंट हमें क्या करती है, गवर्नमेंट हमें सब्सिडी भी देती है चीज़ों की कंजम्पशन करने के लिए। हर चीज़ की कंजम्पशन, हर चीज़ की प्रोडक्शन पर सब्सिडी नहीं मिलती, पार्ट वन में सीखा था, कुछ चीज़ों की, नेसेसरी चीज़ों की कंजम्पशन और प्रोडक्शन पर सब्सिडी मिलती है। तो अगर मैं वही एलपीजी वाला एग्जाम्पल फॉरवर्ड करता हूँ, उसी को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि केस क्या बनेगा। देखो, होता यह है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और सब्सिडी की वजह से मार्केट प्राइस कम हो जाएगा। एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लेता हूँ एक्स वाई जेड एजेंसी है, ठीक है, और ये क्या करती है, अभी हमने पढ़ा था ये एलपीजी सिलेंडर सप्लाई करती है, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर सप्लाई करती है। इनका जो सप्लाई प्राइस है, मतलब जो सप्लाई प्राइस की जगह आप ये लिख दो कि ये जो रेट मांग रहे हैं, रेट, ये जो रेट मांगते हैं वो कितना है, ये कहते हैं, देखो दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं तो दिल्ली में विदाउट सब्सिडी जो सिलेंडर है इट इज 820, ठीक है, 820 का सिलेंडर आता है गवर्नमेंट को, मतलब इन लोगों को। तो यहां लिखते हैं 820 कि भाई रेट कितना है एलपीजी सिलेंडर का, 820। तो ये लोगों से कितने चार्ज करेगा, 820 करेगा, ठीक है। बट व्हेन गवर्नमेंट गेट टू नो अबाउट दिस, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, एलपीजी तो सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर इसकी कंजम्पशन को प्रमोट करना है तो लोगों को फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज करना होगा। तो गवर्नमेंट ने इनको ये कहा, एक्स वाई जेड एजेंसी को, कि एक काम करो, तुम अभी जो आपको सिलेंडर मिलेगा दिल्ली में, दैट इज 483, ठीक है, 480 मान लेते हैं कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए, मान लेते हो 480। गवर्नमेंट ने ये कहा कि तुम सिलेंडर को 480 रुपए का दोगे, ठीक है। इसने कहा मैं आपको पागल लग रहा हूँ, मतलब मेरे को तो लॉस हो जाएगा, अगर 820 मेरा रेट है, आप मेरे को 480 बोल रहे हो, मुझे तो लॉस हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा आपको लॉस नहीं होगा, जो डिफरेंस है आप कस्टमर से 480 चार्ज करना और हम रिमेनिंग जो बैलेंस है, ठीक है, वो हम आपको देंगे, राइट, ठीक है। इसका मतलब गवर्नमेंट ने इस 820 के सिलेंडर पे कस्टमर को क्या दे दी, सब्सिडी दे दी। अब दो पार्ट बन गए यहाँ पे इसके हमारे पास, ठीक है, एक पार्ट किसने पे किया, एक पार्ट कस्टमर ने, जिसने एलपीजी सिलेंडर खरीदा उसने पे किया, और एक पार्ट जो सब्सिडाइज है वो किसने पे किया, वो गवर्नमेंट ने पे किया, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कहा कस्टमर को, पर सिलेंडर तुम कितने दो, कस्टमर को तुम पर सिलेंडर 480 रुपीज दोगे, ठीक है, गवर्नमेंट को तुम कितना दोगे पर सिलेंडर, आपने गवर्नमेंट को कितना देना है, 480 रुपीज का देना है, आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। और सॉरी, और रिमेनिंग जो आपका बैलेंस है, ठीक है, रिमेनिंग जो आपका बैलेंस है वो कौन देगा आपको, वो हम देंगे। तो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास कितना आता है, 340, ठीक है। तो समझना, रेट कितना था एक सिलेंडर का, 820। गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा भाई तुम कस्टमर से चार्ज करोगे 480, रिमेनिंग जो है सब्सिडी का अमाउंट तुम्हें सब्सिडी में देना है, और वो अमाउंट हमें कौन देगा, हम आपको देंगे। इस तरीके से हमारे नेशन में, किसी भी नेशन में सब्सिडी होती है। सब्सिडी गवर्नमेंट किसी को भी कैश में नहीं देती, कस्टमर को भी ये नहीं देगी कि भाई तू पूरे 820 रुपए ले, ठीक है, और जाके सिलेंडर ले, नहीं, जो अमाउंट आपको देना है वो अमाउंट आप सस्ते में दे देते हो उनको, क्योंकि यू नेवर नो कैश में देने के बाद वो पर्सन उस चीज़ को कहाँ पे यूज़ कर रहा है ना। हो सकता है एलपीजी के लिए आप उसे 820 रुपए तो दे दो, वो कहीं और यूज़ कर ले,
इसीलिए गवर्नमेंट कभी भी कैश सब्सिडी नहीं देती आज की डेट में, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब मैं इसे कह सकता हूं सब्सिडाइज्ड प्राइस, है ना, ये सब्सिडाइज्ड प्राइस हो गया और ये क्या हो गई, ये हो गई सब्सिडी, इजंट इट, सो दैट इज द आइडिया, ठीक है। तो जैसे इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है अपने रेवेन्यू के लिए, है ना, उसी हिसाब से गवर्नमेंट हमें सब्सिडी भी देती है। किस चीज के लिए गवर्नमेंट हमें सब्सिडी देती है, ताकि हम कुछ चीजों की कंजम्पशन को कर सके या कुछ चीजों की प्रोडक्शन को भी, है ना, ठीक है। तो अगर कुछ चीजों की प्रोडक्शन पे सब्सिडी मिल रही है तो कंजम्पशन पे अपने आप ही हो गई। अब आप एक बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पे तीन चीजें आ गई हमारे पास। कस्टमर जो पे कर रहा है वो क्या है, 480, और कस्टमर जो पे करता है वो क्या होता है, वो होता है मार्केट प्राइस। यही पढ़ा था हमने, कस्टमर जो पे करेगा वो क्या होगा, मार्केट प्राइस। ये तो गवर्नमेंट ने पे कर दिया। प्रोड्यूसर जो रिसीव करता है, ये लिखा है प्रोड्यूसर रिसीव जो कर रहा है उसे क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। तो अगर अब मैं यहां से एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो आप देखो, जब आपने फैक्टर कॉस्ट में, जब आपने फैक्टर कॉस्ट में माइनस कर दिया सब्सिडी को, तो क्या आ गया आपके पास, तो आ गया मार्केट प्राइस, राइट। अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में, हाँ एग्जैक्टली, मैं अगर फैक्टर कॉस्ट पे माइनस कर देता हूं सब्सिडी का अमाउंट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस। मतलब ये कह सकते हैं हम कि जैसे आपका इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस को बढ़ाता है, सब्सिडी उसके जस्ट अपोजिट काम करता है, सब्सिडी मार्केट प्राइस को रिड्यूस करता है। तो यहां पे हम जैसे स्टेटमेंट लिखी थी, लिखेंगे सब्सिडी रिड्यूसेस द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस, ठीक है। देयरफोर इसलिए सब्सिडी मस्ट बी, तो अगर हम बात करें मार्केट प्राइस से, अगर मान लो मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, जैसे वहां पे हम गए थे कि हमने फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर दिया था आईटी, तो हम कहां पहुंच गए थे, मार्केट प्राइस पे। तो इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट में माइनस करूंगा सब्सिडी, मतलब 820 में से माइनस करूंगा 340, तो कहां जाऊंगा, मार्केट प्राइस में। सब्सिडी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सब्सिडी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, सब्सिडी को किससे सब्ट्रैक्ट किया है, देखो यहां पे चेन ध्यान से, फैक्टर कॉस्ट में से माइनस किया है, तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट टू गेट मार्केट प्राइस। ये चीज आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, काफी बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है, राइट, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सब्सिडी को क्यों माइनस करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों ऐड करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं क्योंकि वो प्राइस को बढ़ा देता है, सब्सिडी को माइनस करते हैं क्योंकि वो घटा देता है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, जैसे मैंने वहां लिखा था, अगर मैं इसको उसी सेम फॉर्म में लिखूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, व्हाट आई कैन राइट, ठीक है, ये भी इक्वेशन मेरे पास, कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट में, अगर हम फैक्टर कॉस्ट में माइनस कर दे सब्सिडी, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा मार्केट प्राइस, है ना, ठीक है। तो दो तरीके हो गए मार्केट प्राइस पे आने के, ठीक है। अब अगर आप इसको पूरी इकोनॉमी एज अ होल सोचो, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर एक फर्म तो है नहीं, सिर्फ एलपीजी सिलेंडर तो खाली आपको सब्सिडी पे नहीं मिल रहे, बहुत सी चीजें जो सब्सिडी पे मिलती हैं, है ना, और सिर्फ आपकी बुक के ऊपर तो इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज हो नहीं रहा, बहुत सी चीजें जिन पे इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज होता है। तो अगर मैं इसको इकोनॉमी एज अ होल सोचूं, तो एक इक्वेशन मेरे पास बनेगी, वो क्या बनेगी, ध्यान से सोचना, मैं इसे रब कर रहा हूं, होपफुली आपने इसे नोट कर लिया होगा,
जरा देखते हैं क्या बनेगा। इसका मतलब है कि अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे हैं, है ना, फैक्टर कॉस्ट पे हैं और हम बात कर रहे हैं मार्केट प्राइस की, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस पे जाएंगे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या होता है, आपको पता होगा फैक्टर कॉस्ट पे आईटी प्लस होने पे मार्केट प्राइस आता है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट से जब हम आईटी प्लस करते हैं तो एक कंज्यूमर पे करता है, तो फैक्टर कॉस्ट प्लस में हम क्या कर देते हैं, आईटी, ये हमने कर दिया। लेकिन जो आईटी हम पे करते हैं इकोनॉमी एज अ होल हमें सब्सिडी भी तो मिलती है ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से सब्सिडी, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा मार्केट प्राइस। सो दैट इज हाउ इट गोज, ठीक है, कि फैक्टर कॉस्ट प्लस आईटी माइनस सब्सिडी इक्वल टू मार्केट प्राइस। अभी खत्म नहीं हुई बात, आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि अगर इसी चीज को मैं देखूं तो फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, आईटी माइनस सब्सिडी का एक फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पार्ट वन, राइट। तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर दोगे एनआईटी तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट योर मार्केट प्राइस। सो दिस इज द फॉर्मूला के फैक्टर कॉस्ट में प्लस करते हैं एनआईटी तो हमें क्या मिल जाता है, मार्केट प्राइस मिल जाते हैं। तो हर एक गुड की दो वैल्यू हो जाती है हमेशा, एक उसकी फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू, एक उसकी मार्केट कॉस्ट की, मार्केट प्राइस की वैल्यू, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, इनमें से ज्यादा रेलेवेंट कौन सा है, फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस, मतलब जीडीपी की कैलकुलेशन मेजरली फैक्टर कॉस्ट पे होगी या मार्केट प्राइस की, सोचो। तो देखो द आंसर इज ऑफकोर्स सर फैक्टर कॉस्ट, हम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेशन करते हैं, मार्केट प्राइस पे नहीं करते। रीजन है, आज जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया तो एक यूनिफॉर्मिटी आ गई हमारे नेशन के अंदर, है ना, क्योंकि अब सबको सेम रेट चार्ज करना है, 5% अगर बोल दिया गया ईटेबल आइटम्स पे थ्रू आउट द इंडिया इट विल बी 5%, राइट। लेकिन जब जीएसटी नहीं था तब क्या होता था, तब हर स्टेट अपने टैक्सेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करता था, जिसकी वजह से हर स्टेट में हर गुड का प्राइस डिफरेंट टैक्सेशन सिस्टम की वजह से डिफरेंट होता था। तो इसका मतलब हो सकता है ये बुक जो है, जो मान लो हमने कहा किन की पब्लिकेशन है, ये वीके ओरी की पब्लिकेशन है, तो वीके ओरी की ये जो पब्लिकेशन है ये दिल्ली में मान लो मिल रही है 200-300 रुपए की, लेकिन क्योंकि यूपी का टैक्सेशन अलग था तो यूपी में हो सकता है कि मिल रही थी फॉर एग्जांपल 350 की, या हो सकता है कि बिहार का टैक्सेशन अलग था तो वहां पे मिल रही थी मात्र 260, ओनली फॉर 260 और 270, सो दैट इज द आइडिया। सो लेकिन बात अगर हम करें फैक्टर कॉस्ट की के वीके ओरिस आपको कितने मिल रहे हैं, वो तो एक उनकी तो फैक्ट्री में बना ना, तो उनको तो वही मिलेगा, है ना, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट तो बिल्कुल प्लेन होता है जी, उसमें टैक्सेस भी नहीं होते, सब्सिडी बता देते हैं हम, तो इसलिए फैक्टर कॉस्ट न्यूट्रल होता है, वो एक्चुअल बताता है कि प्रोडक्ट बना कितने का है, इसके फैक्टर ऑफ पेमेंट की जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी क्या पेमेंट है। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी के लिए हम हमेशा किसको कंसिडर करते हैं, ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स फैक्टर कॉस्ट को, मार्केट प्राइस से यूनिफॉर्मिटी नहीं आती, इसीलिए सारी कैलकुलेशन हम फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं। तो अगर इसको एक फॉर्मूले में लिखें तो एफ सी से एम पी पे जाएंगे, प्लस कर देंगे एन आई टी, एम पी से एफ सी पे आएंगे, माइनस कर देंगे एनआईटी, सो दैट इज द फॉर्मूला। तो ये सेकेंड फॉर्मूला हमने पढ़ा, पहला था ग्रॉस और नेट, दूसरा हमारे पास है फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी बाकी सारे कॉन्सेप्ट की तरह समझ में आया होगा, राइट, ठीक है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रही है तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसी से
जो मेरा मोटिवेशन है वीडियोस को लेकर के वो और ज़्यादा बढ़ेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि हर तरह के लेक्चर इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए मैं डाल सकूँ, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स हो, हर तरह के लेक्चर। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, चाहे जो आपसे ऊपर लेवल पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीकॉम ऑनर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप उन सबको बोलें और प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।